तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 10 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये है आपका 11वां, जंतुओं और पादप में परिवहन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसे अच्छे से सुनिए। ठीक है, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होता है? चित्र 11.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। देख लीजिए, परिसंचरण तंत्र। चित्र में धमनियां लाल रंग में है और सिराए आपकी नीले रंग में। देखिए, जो ये आपकी लाल दिख रही है, ये आपकी धमनियां है। ये आपका हृदय हो गया, ये आपकी सिरा हो गई, ये आपकी धमनियां पूरे शरीर में फैली हुई है। ठीक है, जड़ों की तरह। बात करते हैं परिसंचरण तंत्र। रक्त, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त में क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे हम लोग प्लाज्मा या प्लेज्मा बोलते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित हो रहती हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। रक्त कोशिकाओं में एक लाल वर्णक होता है, लाल रंग आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके मिलाकर शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें हम लोग श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। WBC का क्या काम रहता है? रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बूजो खेलते समय गिर गया, उसके घुटनों में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया, कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक धक्का जम गया। यह देखकर बूजो कुछ परेशान हुए। रक्त का धक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं या पट्टिकाणु। बात करते हैं रक्त वाहिनियां। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों यानी कि फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इनको इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों तक करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसे कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा था। इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, एक आपकी धमनी, दूसरी सिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भीतरी दीवार मोटी और पित्तास्थ होती है। अपने दाहिने दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी
बाई कलाई के भीतरी भाग में रखिए। क्या आपको कोई स्पंदन धक-धक महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन या नब्ज कहलाता है। यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इस तरह आपने कितनी नाड़ी स्पंदन गिनी? प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन की दर सामान्यतः 70 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर के अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आपकी नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। बेरक्त वाहिनियां जो कार्बन डाई ऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले आती है उन्हें सिराएं कहते हैं। जो ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धमनियां। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती हैं रक्त में तो उसे सिराएं कहते हैं। सिराएं की भित्तियां अपेक्षाकृत आपकी पतली होती हैं। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देते हैं। परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था। ये कोशिकाएं हो गई, ये आपका हृदय फेफड़े हो गए, फुफ्फुस सिरा सिरा हो गए, ये आपकी धमनी। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतक में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। रक्तदान। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित बदर्द रहित होता है जो कई अनमोल जाने बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंक में विशेष देखभाल से रखा जाता है। बात करते हैं हृदय। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है आपका हृदय। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए अब हम हृदय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय वक्षगुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। याद रखिए जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए कि यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में उत्पन्न ना होने देने के लिए हृदय में 4 कक्षों में बटा होता है हमारा हृदय। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं आपके, वो निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। आपका हृदय जो है वो 4 कक्षों में बटा रहता है। ऊपर के 2 कक्ष जो है उन्हें अलिंद कहते हैं, वो नीचे के 2 कक्ष हैं उन्हें निलय कहते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्य विधि को समझने के लिए हृदय में दाई ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों और वापस हृदय में रक्त की प्रवाह की दिशा दिखाई गई जहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। यह आपका हृदय मानव हृदय का कट चित्र। यह आपका दाया अलिंद हो गया, यह आपका दाया निलय हो गया। कक्षा के बीच में विभाजन रेखा है आपकी। ये आपका बाया निलय हो गया, बाया अलिंद हो गया। ये आपकी फुफ्फुस सिरा फुफ्फुस धमनी, ये आपकी महासिरा हो गई, रे आपकी महाधमनी। ठीक है। हृदय स्पंदन। हृदय की कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विस्तारांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विस्तारांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कहलाता है।
याद रखें कि हृदय स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाई तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदन यानी कि धड़कन को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। यह आपका स्टेथोस्कोप। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा रहता है जिसे एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्ट्रेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोताओं से अपने स्पंदनों को ध्वनि का अध्ययन करते हैं जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। इस तरह से 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को बनाकर लगाइए। रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ बैंड की नली के मुक्त सिरे को अपने एक कान के पास रखिए। कीप के मुंह को अपने वक्ष पर हृदय निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन यानी कि धड़कन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपके हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए। अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम व्यवस्था में 4 से 5 मिनट के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी पल्स की दर सारणी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंदन हृदय स्पंदन दर को बताती है। यह आपको पढ़ना है, बस निकल जाना है, ठीक है? प्रयोगशाला में प्रयोग करती नहीं बैठना है, ठीक? हृदय के विभिन्न कक्षों में लयबद्ध गति रक्त परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने 1628 में की थी जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया। उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा गया। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी के तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा भी में भी रक्त होता है? स्पंजों हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में भी रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करेंगे। जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वासन के क्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन वही क्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से आते? जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के विक्रम को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग आपके मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना
जाना चाहिए या किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क यानी कि गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं के द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में यानी कि किडनी में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ आपके मूत्र यानी में के रूप में पृथक या हटा दिए जाते हैं। वृक्कों में से मूत्र वाहिनियां से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं और जिसमें मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। वृक्क मूत्र वाहिनियां मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई व्यक्ति वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% आपका जल, 2.5 यानी कि 2.5% आपका यूरिया, 2.5 अन्य अवशिष्ट पदार्थ उत्पाद इसमें शामिल होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझो ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रयाप्त पसीनी के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहाँ अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों का कोई का कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। यह है आपका मानव उत्सर्जन तत्व। यह आपके वृक्क हो गए, किडनी, यह आपके मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्र, ठीक है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना, किडनी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि किंतिम वृक्क के द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उससे अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव हो सकती है। इस प्रकार रक्त के छनने की विधि को अपवन यानी कि डायलासिस कहते हैं। जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः श्वेत सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। अब बात करते हैं हम लोग पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय एक में आपने पढ़ा कि पौधे पादप अपने जड़ों मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण का विक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुँचता है? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बनाते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन इस प्रकार प्राप्त करते हैं। जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों यानी कि जड़ों द्वारा
जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल लोम होते हैं। वास्तव में मूल लोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलों में मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादप में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं, यानी कि अपने शरीर में जिस तरह से जड़ें फैली हुई हैं, धमनियां और सिराएं, इसी तरह लगभग उनमें भी होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन चक्र संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक की कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होते हैं उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम पोषवाह कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। ये आपके मूल रोम हो गए जाइलम। इस तरह से देखिए, हम इस क्रियाकलाप के लिए कांच का गिलास या पानी, लाल सरा स्याही व एक कोमल शासकीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए वाल्सम व एक बेलड़ की आवश्यकता हुई। गिलास को एक तिहाई पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें। एक कोमल शासकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इस तरह कर सकते हैं। क्या शासकीय पौधे की टहनी पर कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी का अनुप्रस्थ काटिए, उसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। फिर आपका वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6वीं में आपने पढ़ा था कि पादप वाष्पोत्सर्जन कि पिक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के पिक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। तो इस अध्याय में हम लोगों ने क्या सीखा है? धमनी के बारे में जाना है, रक्त के बारे में जाना है, रक्त वाहिनियों के बारे में जाना है, केशिका के बारे में जाना है, परिसंचरण तंत्र के बारे में जाना है, डायलिसिस के बारे में जाना है, अपूगन के उत्सर्जन के बारे में भी जाना है, उत्सर्जन तंत्र को भी देखा है, हीमोग्लोबिन को देखा है, हृदय स्पंदन को, वृक्क गुर्दा को देखा है, किडनी को, फ्लोएम पोषवाह को देखा है, प्लाज्मा को देखा है, पट्टी कारणों को देखा है, नाड़ी स्पंदन को देखा है, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को देखा है, मूलोम देखे, स्टेथोस्कोप को भी देखा है, पसीना देखा है, श्वेत ऊतक भी देखती है, मूत्रवाहिनी देखा है, मूत्रवाहक देखा है, यूरिक अम्ल के बारे में जाना है, मूत्राशय देखा है, सिरा देखा है, श्वेत रक्त कोशिकाएं देखी, जाइलम देखा, प्लेटलेट्स भी देखे हैं, दारू। तो इन्हीं को हमें जानने के लिए बस हमारे लिए और कुछ नहीं है, मात्र इस बुक्स को पढ़ने का बस इतना ही है, इन शब्दों के बारे में हमें पहचान हो जाए कि आखिर ये शब्द होते क्या है, रक्त होता क्या है। ठीक है, अगर कहीं शब्द यूज करते हैं तो उसका अर्थ तो मालूम होना चाहिए ना। तो उन्हीं को समझाने के लिए एक पूरी कहानी पढ़नी पड़ती है। तो आपने इस अध्याय में क्या सीखा है? अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रभावित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का विवरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी
लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियां और सिराओं में प्रभावित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में आपका प्लाज्मा, रक्त में कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिका प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त का लाल रंग जो होता है ये आपका हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है, इसे हृदय स्पंदन कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। सिराएं शरीर के अन्य सभी भागों में रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का विक्रम आपका उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 बैक यानी कि किडनी, गुर्दे, 2 मूत्रवाहिनियां, 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ श्वेत पसीने के रूप में शरीर के से बाहर निकाला दिया जाता है। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी कीट छिपकली अर्धघन सीमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित खिंचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेहतर है कि इसका टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके रख लें, उससे एक बार पढ़ लें और ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो देखिए आराम से पढ़िए, बस आप लोग को समझ गए होंगे अभी तक। इतने अध्याय हम लोग खत्म कर चुके हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपका था जीवों में, जंतुओं और पादम में परिवहन, और आगे बात करेंगे पादम में जनन। 12वां चैप्टर हमारा होगा पादम में जनन।